केवल टीम से हम जुड़े हुए हैं पिछले 8 साल से, और जो उनके टीम के लोग हैं और वो हमें अच्छे से जानते हैं कि हम कितने शरीफ टाइप के आदमी हैं। हाउएवर आई एम ग्रेटफुल टू सर लाल सर। सबसे पहले जब मैं इस पहले मार्कॉम जो इन्होंने बताया, आई एम नॉट ए मार्कॉम गाय, आई एम ए कॉपकॉम गाय नाउ, आई वाज अगेन मार्कॉम। तो वहां जब मैं ट्रांसफर हुआ तो सबसे पहले विशाल ने बोला, सर आप ना लाल सर के पास जाइए, वहीं से गुरु, वही गुरु हैं इसके। सबने भी यही कहा, तो थैंकफुली थैंक्स टू विशाल कि उन्होंने मुझे सही जगह भेजा। तो वहां से आई स्टार्टेड लर्निंग, फिर वहां से क्योंकि मैं एकदम नया था इस फील्ड में, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर धीरे धीरे मेरी एंट्री जब भी होती थी क्राइसिस के साथ ही होती है, जिस भी स्टेट किया मैं पहले क्राइसिस से का, उसके बाद फिर काम किया। और क्राइसिस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विशाल जैसा कोई मिला नहीं हमें, तो हर चीज ही डेंजरस लगती है हमें। आपने कुछ भी लिख दिया हमारे लिए डेंजर हो गया, कुछ अच्छा लिख दिया तो बहुत अच्छी बात, तालियां बज गई, लेकिन जहां भी आपने गलत लिखा वहां हम बच गए। मैं कह रहा हूं कि ऑनलाइन होना बहुत अच्छा है, फास्टर हो जाता है, तुरंत मालूम हो जाता है सबको, सब चीज ठीक है, बट एज ए मीडिया रिस्पॉन्सिबल पीपल यू शुड नो कि एक्चुअली जो हम लिख रहे हैं वो सही है गलत है, और उसमें तथ्य है कि नहीं। और सीखना कोई बड़ी बात बुरी बात नहीं है, किसी भी एज में आप सीख सकते हैं, किसी एज में आप समझ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको सब पता हो, कोई जरूरी नहीं हमें सब पता हो, एटलीस्ट उस डायरेक्टली उस आदमी से बात करके समझ लीजिए कि सच है कि नहीं। अगर सच है तो ठीक है लिखिए, कोई इशू नहीं है, और सच नहीं है तो उसको समझिए और उसको उस हिसाब से लिखिए, क्योंकि दुनिया आपको पढ़ रही है, दुनिया आपको जानती है, दुनिया आपकी बात को मान सकती है। तो प्लीज डोंट राइट सच थिंग्स विच आर डेंजरस फॉर अदर्स ऑल्सो। तो दिस इज वन, और वो दिस इज अ रिस्क। फास्टर तो होता ही, ऑनलाइन फास्टर हो गया, एवरीथिंग इज फास्टर, आप कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाता है, बट इट इज वेरी डेंजरस कि राइट आपने कुछ भी लिख दिया, बिकॉज यू हैव कलम इन योर हैंड्स। सो दिस इज वन ऑफ द इश्यूज व्हिच आई ऑलवेज लुक आफ्टर, कि यहाँ जो बैठे हैं जितने भी होंगे आई एम श्योर सब इंटेलिजेंट लोग, एंड अब आगे जब भी लिखें जो ये सोच के लिखें कि जो है कि सत्य क्या है, सच्चाई है कितनी, एंड कितना हम उसे समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।